हर हर महादेव। देखिए हमारे पास में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इसको देखिए और सुनिएगा। कह रहे हैं कि क्या किसी के देहांत के बाद में एकादशा या द्वादशा होने के बाद श्मशान भूमि में जहां अंतिम संस्कार हुआ है वहां पर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं क्या? भूतेश्वर महादेव की क्या स्थापना का विधान है? क्या वहां इनकी भूतेश्वर की या किस किस देवता की वहां प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ये पूछ रहा है। देखिए, अरे देखिए इसका समाधान देखिए कि जैसे श्मशान भूमि में जहां उस क्षेत्र के उन गांव के या उस स्थान के जो है शवों का दहन होता है वो एक सीमित क्षेत्र होता है, तो वहां यदि सब लोग इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करने लगेंगे कि भाई जो शव दाह किया और वहां प्राण प्रतिष्ठा करने लगे तो कितने शिवलिंग हो जाएंगे वहां। क्या आपने एक आध जगह की बात छोड़िए, कहीं भी मरघट में और इस तरीके से शिवलिंगों को देखा है कि वहां वहां इस तरीके से शिवलिंग लोग लगा रहे हो? और भी आप ऐसा विचार कर सकते हैं कि हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि कैसा मंदिर हो, कहां बने, कैसे बने, कितना बड़ा लंबा आकार प्रकार का बने, कैसी कैसी मूर्ति हो, कौन प्रतिष्ठा करे, कब करे, ये सब कितना विचार है शास्त्रों में। अब देखो कोई मरा है और वहां उसकी अस्थि या जो है वो राख इत्यादि पड़ा हुआ है और वो मरघट की भूमि है जहां लिखा है कि वहां जाने के बाद ही स्नान करना चाहिए, वो हर समय जाना मना लिखा है, अकारण मरघट में न जाए, श्मशान में न जाए, मध्यान्ह में न जाए, रात्रि की बेला में न जाए, संध्या काल में न जाए, ये वहां निषेध है। और वहां जाकर के शिव मंदिर बना दिया गया, बताइए कई लोग कर दे रहे हैं, कितना निरर्थक है, ये सब अशास्त्रीय कृत्य है। एक बात और बताएं, देखिए आजकल शिवजी के मंदिरों को, दुर्गा जी के और हनुमान जी को, इनको तो जाने क्या समझ रखा है, इनकी तो मतलब गुरु गोबल एक कर दिया गया है कि कहीं भी स्थापित कर दो, इनका कोई पूजन की क्या आवश्यकता है, रोज पूजन की आवश्यकता नहीं है। तो इनका ना तो रोज नित्य प्रति समय पर कोई पुजारी भोग लगाता है और ना ही इनका स्नान आदि कोई विधिवत मंत्रों से या कोई होता है और ना इनकी कोई पूजन की मर्यादा है, चाहे कोई चाहे जब चाहे जैसी अवस्था में जा सकता है, ऐसे ऐसी स्थिति कर रखी है। और आप देखिए हर गांव में, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, हर गांव में कम से कम दर्जन भगवान शंकर के मंदिर, और अवैध रूप से, माने शास्त्र की विधान से नहीं, ये कानूनन बात नहीं चल रही, ये हम शास्त्रीय अवैध बात कर रहे हैं, वो शास्त्रीय विधि के रहित कहीं भी वो शिव जी के मंदिर को बना दिया, एक जो है ला करके लिंग को स्थापित कर दिया चबूतरा इत्यादि में, हनुमान जी बिठा दिए, दुर्गा जी बिठा दी, यहां तक की बात है कि कुत्तों को भी रोक टोक नहीं है, वे भी कभी भी कैसे भी अवस्था में जा सकते हैं और वो सब चाट रहे हैं। शिवरात्रि इत्यादि कोई नवरात्रि शिवरात्रि है तो उसमें भीड़ लगी है लोगों की और वो सब जो कोई पूड़ी कोई और कुछ सामान वो उनको मुंह में लगा लगा करके खिलाए आते हैं, बाद में वो उनको कोई पुजारी नहीं, कुत्ते चाट चाट करके साफ कर देते हैं। ये दुर्दशा है, ये पुण्य नहीं पाप है, अपराध है, लिखा हुआ है ऐसे अपराध पूरे राष्ट्र को दग्ध कर देते हैं, एक व्यक्ति की नहीं, अन्नहीना दहेत राष्ट्रम, मूर्ति का यदि भोग नहीं लगता है, जितना लिखा हुआ है कितनी बड़ी मूर्ति है, इतनी मूर्तियां हैं, इतने विग्रह हैं, अर्चा विग्रह हैं, तो इतने भार में भोग लगना चाहिए, इतने समय इतनी बार भोग लगना चाहिए, वो नहीं लगता है, उनकी विधि का पालन नहीं होता है, तो देवता तो उसमें से छोड़ करके चले जाते हैं, वो कोई आपके वही कोई ऐसे थोड़े ही है, ऐसे कोई मेहमान को बुलाओ उसकी भी अगर सेवा नहीं हो तो वो भी भाग जाते हैं,
जिसको आपने बहन दी है, बेटी दी है, धन संपत्ति दी है, वे लोग भी देवता किसी के वशवर्ती नहीं, वो तो कब के चले गए, लेकिन फिर उसमें आकर के भूत प्रेत आकर के बैठ जाते हैं और वे उसको पूजा को स्वीकार करते हैं और वहां लोगों में त्राहि त्राहि मचाते हैं। और ये इतना बड़ा अपराध होता है मूर्ति के नियमों का पालन न करना कि वहां भोग न लग पाना कि पूरे राष्ट्र को दग्ध करने वाले होते। इसलिए लिखा हुआ है नास्ति प्रतिष्ठा समो रिपु, प्रतिष्ठा जैसा कोई शत्रु नहीं है। अगर उसमें अविधि पूर्वक हुआ, मंत्र नहीं हो पाए, विधि नहीं हो पाई, दक्षिणा नहीं हो पाई, उन मूर्ति की पूजा और व्यवस्था नहीं हो पाई, तब करने कराने वाले हम पंडित लोग भी उसमें जो है उसके अपराध के भागी बनते हैं। इसलिए जहां तक हो तो पंडितों से भी आचार्यों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि जितने भी पुराने मंदिर हैं उनको ही संभालने की यजमानों को जो है मति प्रदान करिए, सन्मति दीजिए और उनके धन का विनियोग ऐसे ही पुराने मंदिरों में जीर्णोद्धारों में लगाइए, जिसका लिखा हुआ है कि एक मंदिर बनाने से 10 गुना 100 गुना 1000 गुना फल है पुराने जीर्ण मंदिरों को बनाना। नए मंदिरों की आजकल कोई पूजा नहीं करते, पैसे लगा देते, एक बार मंदिर बना दिया, ये कर दिया, बाद में फिर सब छोड़ दिया, पूजा करने के लिए कोई बात नहीं। नियमित तो वे खा नहीं पा रहे, नहा नहीं पा रहे, अपना कोई काम नहीं कर रहे समय पर, मूर्ति में कौन पूजा करेगा। इसलिए हमने तो ऐसा समझ रखा है, सोच रखा है कि बड़े ही अनुसंधान पूर्वक के हाँ वहां जो है पूजा होगी, कार्य होगा, तभी मूर्ति बनाना, अन्यथा प्रतिष्ठा कराने भी नहीं जाता है, मना कर देते भैया हमारे बस की बात नहीं है। यद्यपि ये बात किसी को समझाओ कि आप ऐसा जो है पैसा वहां लगा दो, आपके गांव के कोई मंदिर हो उन्हीं में लगा दो, नहीं हम तो अपने यहां बनाएंगे, मानते नहीं आदमी। और तो और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने नारद जी को समझाया कि भाई आप ये जो है ये बात हमको बतलाई है कि हमने कामदेव जीत लिया, कि वो भगवान विष्णु को मत बतलाना। और तो और मैं बताऊं, कभी कभी बात चलने पड़ती है, लोग कह देते हैं कि वैसे नहीं बतला रहे थे, बात चल पड़ी है तो देखो हम बतला देते हैं, और तो कहते हैं कि वो चलाए प्रसंग दुरावो तब, जब प्रसंग भी चला तभी भी जो है छिपा लेना, बतलाना नहीं। लेकिन फिर भी वो जो नारद जी नहीं माने, क्योंकि शंभु दीन उपदेश हित, और नहीं नारद है सुहा भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवा। तो बस ऐसी जो है कलियुग का तांडव होना है, कुछ ऐसी भी बात है कि सही बात किसी से कहो तो कोई सुनता समझता नहीं है, हम आप उनसे नहीं, हम किसी दूसरे को बुला के प्रतिष्ठा करा देंगे तो करा देते हैं। इस तरीके से शमशान में तो प्रतिष्ठा कराने का कोई विधान ही नहीं, जहां भी प्रतिष्ठा हो तो वहां कम से कम जो है उसका शिखर बने और उसका दरवाजा लगे और पूजा करने का पूरा विधान हो कि ये जो है काक श्वान और अंत्यज आदि उस मंदिर में प्रवेश न कर पाए, ये सब निषिद्ध है। तो इस दृष्टि से एक समाध्युत्सर्ग होता है सन्यासियों का, कि सन्यासी के नाम पर कोई समाधि स्थल बनवाना और उसमें शिवलिंग की स्थापना करना, ऐसा नहीं है कि वहां जो उनको सन्यासी को गाड़ दिया गया है उसी के ऊपर बनाना, ये नहीं है, उनके नाम से कहीं भी कोई समाधि तो उसका फिर उत्सर्ग कर दिया जाता है, यानी लोकार्पण कर दिया जाता है। तो शिवलिंग बना करके उनका कोई स्मारक बना दिया जाए और फिर उसमें जो है उसको उत्सर्ग कर देते हैं, लोग उसमें रहें, कुआ बावली इत्यादि बना देना, वहाँ बगीचा लगा देना, ये सब इसका तो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि उसका पुत्र या वो शिष्य इत्यादि करें समाधि उत्सर्ग इत्यादि, परंतु ये सब के लिए नहीं है कि शमशान में ही जो है मूर्ति बना करके ये कर दे। भूत भावन है कि भूतेश्वर हैं तो वो शमशान में रहते होंगे, ऐसी बात नहीं है, ये सब निषिद्ध बातें हैं। ये जो लीला मात्र से वो क्या करते हैं, वो तो जहर भी पी लेते हैं तो वो कोई एक सूंघ भी लेगा वही मर जाएगा आदमी, ऐसा जहर है वो तो। इसलिए ये उनका कोई ऐसा नहीं समझना है कि भांग चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और फिर उनको गांजा चढ़ा दिया और उसी गांजे को पी रहे हैं। तो इस तरीके से तो लोग मदिरा को चढ़ा करके पी सकते हैं, तो ये सब करना ये उचित नहीं है। जो शास्त्रों में लिखे हैं वे ही पदार्थों का समर्पण होना चाहिए और विधि पूर्वक ही पूजन होना चाहिए। और भी इस संबंधी बहुत चर्चाएं, बहुत बातें हैं, तो
तो इनको समय समय पर करते रहेंगे। मुख्य रूप से ये प्रतिष्ठा संबंधी जो चर्चा है ये तो बहुत ही आवश्यक है। हमारे गांव में, नगर में, शहर में, तीर्थों में जहां भी देखेंगे मर्यादा भ्रष्ट हो रही है, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित नहीं है। इसलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाती जी महाराज जी का ये नारा ही था कि मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। तो हम लोग मंदिरों की मर्यादा को सुरक्षित रखें और जो भी जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं उनमें ही जो है अपना जीर्णोद्धार करने के लिए पैसा का विनियोग करें, लगाएं, नए मंदिरों की बनाने से बचें और भगवान की मूर्ति के मंदिर में प्रवेश किसी भी अवस्था में न करें, किसी भी जगह पर न बनाएं, विधि पूर्वक बनाएं और पूजन की व्यवस्था जरूर रखें। हर हर महादेव।